अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुरीद हुसैन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोको की नेक्स्ट मिड रेंज डिवाइस के बारे में, जो कि इंडिया में भैया लोग लॉन्च कर दी गई है और उसने काफी धमाल मचा रखा है। तो पोको ने नो डाउट इससे पहले अपनी फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च की है, विच इज पोको F2 Pro, जो कि काफी अच्छी और वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज डिवाइस है, सॉरी फ्लैगशिप डिवाइस है, जो कि 1 लाख के राउंड अबाउट आ रही है। तो जो इधर इस डिवाइस का प्राइस टैग है वो बहुत ही जबरदस्त रखा गया है, और पोको एक न्यू डिवाइस यानी कि पोको M2 Pro लॉन्च करने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में, जो उसकी स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट, प्राइस वगैरह पे बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती तो उसको लाइक कर दें यार, लाइक कर दें यार, डिसलाइक नहीं, लाइक कर दें। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इधर इसके डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें, तो इधर आपको 6.67 इंच का IPS डिस्प्ले देखने को मिला है, और जो कि मुझे ये बात काफ़ी मायूस कर देती है कि इस प्राइस रेंज में आप कंपनीज आपको IPS डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही हैं। एट लीस्ट आप कंपनीज को अपग्रेडेशन देनी चाहिए, यानी कि इधर आपको AMOLED या OLED डिस्प्ले प्रोवाइड करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इधर टॉप पे आपको होल पंच कटआउट सेल्फी कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। रे साइड की बात करें तो जो इसका डिज़ाइन है वो रेडमी नोट 9 प्रो से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इधर आपको सेंटर पे क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। पावर बटन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इधर आपको फ्रंट और बैक पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है विद प्लास्टिक फ्रेम। तो इधर जो भैया लोग जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, एक तरह की फ्लैगशिप लेवल वाली आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। इस प्राइस रेंज में स्पेशली आपको पोको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी स्टाइलिश है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। एटलीस्ट इधर आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। सॉरी यार, ये जो टंग स्लिप हो जाती है एनीवेज। तो इसके बाद अगर इंटरनल्स की तरफ चलें तो इधर आपको जो इंटरनल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिले। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इधर आपको 8 नैनोमीटर का चिपसेट यानी कि स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिला है। अगर इधर एड्रीनो की बात करें, सॉरी GPU की बात करें, तो इधर आपको एड्रीनो 618 देखने को मिला है। अगर वेरियंट की तरफ चलें तो इधर आपको 3 वेरियंट देखने को मिलेंगे। इधर आपको 4 और 6 GB रैम के साथ 64 GB तक इंटरनल स्टोरेज और 6 GB रैम में आपको 1 to 8 GB तक इंटरनल स्टोरेज देखने को मिले, और इधर आपको UFS 2.1 की सपोर्ट देखने को मिले। तो इधर जो प्रोसेसर है, जो स्पेसिफिकेशन है, नो डाउट काफ़ी अच्छी है इस प्राइस टैग में, स्पेशली ये आप फोन आपको काफ़ी अच्छी जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है। इधर जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस है, जो दूसरी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर कैमरा की तरफ चलें तो इधर रेयर साइड पे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा बीच हाउसेस 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, एंड दिस इज जस्ट टू गुड। और इधर आपको 4K वीडियो रेजोल्यूशन की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है, यानी कि इस स्मार्टफोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, दिस इज जस्ट टू गुड। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिला है। तो इधर जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो तो काफ़ी अग्रेसिव लग रही है। इसके साथ ही अगर बैटरी की तरफ चलें तो इधर आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी विद 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो इधर बैटरी डिपार्टमेंट में भी ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छी बैटरी टाइमिंग, बैटरी बैकअप प्रोवाइड करने वाला है। तो इधर बॉटम में आपको USB टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो डिवाइस है मुझे तो काफ़ी पसंद आ रही है। इधर जो खासकर इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो प्रोसेसर है, आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है। एट दी एंड अगर लॉन्च डेट और प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, और बहुत ही जल्द इस माह के एंड तक पाकिस्तानी मार्केट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी जो प्राइस होने वाली है वो ऑलमोस्ट 35 to 40,000 के राउंड अबाउट होने वाली है, एंड दिस इज जस्ट टू गुड एंड आउटस्टैंडिंग। मैं समझता हूँ कि इस स्पेसिफिकेशन के साथ ये पोको जो आपको प्राइस टैग प्रोवाइड कर रहा है, एंड दिस इज जस्ट वेरी गुड स्टेप। आपको इस रेंज में जो आजकल डिवाइसेस आ रहे हैं, यानी कि शाओमी, रेडमी नोट सीरीज वगैरह, उधर ये स्मार्टफोन उनको काफ़ी टफ टाइम दे सकता है और आपको काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो डिवाइस है काफ़ी अच्छी है, जो इसका डिज़ाइन है, जो इसका डिस्प्ले है, और जो इधर बैटरी स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है आपको उन्होंने कितना इम्प्रेस किया।
तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये मक्खियां पता नहीं किधर से आ रही हैं। सो इट वॉज ऑफ ऑन माई साइड, थैंक यू, टेक केयर।